नाक को देखिए, नेता को देखिए, तो पहले नेता को थकुचिए, नाक को बाद में थकुचिए। नेता जब तक रहेगा तब तक हत्या और मौत का सिलसिला जारी रहेगा। खबर वैशाली के महुआ के मनपुरा गांव से है, जहां दो दिन पहले घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके परिजनों से मुलाकात करने के लिए जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव मनपुरा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिवार के लोगों से मुलाकात की तथा उन्हें सांत्वना दिया। मृतक के परिजनों से मुलाकात के दौरान पप्पू यादव काफी भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ शराब खोज रही है, जबकि अपराधी दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों को गोली मार रही है और पुलिस उन्हें पकड़ने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, जब चाहे जहां चाहे किसी को गोली मारना अब आसान हो गया है। वहीं वैशाली के महुआ पर उन्होंने कहा कि महुआ अपराधियों का यूनिवर्सिटी हो गया है। पिछले कुछ महीनों में यहां पर हत्याएं और लूट की वारदात घट रही है, इसके बावजूद यहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इस दौरान पप्पू यादव के साथ पिंटू यादव, अभिषेक कुमार टंटू, अजीत कुशवाहा, सरोज पासवान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बताइए, अभी मैं आ रहा हूँ। एक शंभू एपेक्स की हत्या, वो हत्यारे कर दी जो 3 महीना पहले जेल से निकल गया। चारों संस्थाएं लगती है बिक गई। कोई डर नाम की चीज नहीं। समाज तो चलिए कि अपराधियों के मुरीद हो चुके हैं, सिलेंडर कर दिया। माफियाओं के मुरीद हो चुके हैं। कल हम बक्सर थे, एक सिगरेट के चलते एक गरीब आदमी को 5 गोली मार दिया। सिर्फ सिगरेट नहीं दिया उधार, इसलिए आपके महुआ में एक सब्जी वाली चाहे पुलिस की गोली से मरी हो, उसको छुपाया जा रहा हो, चाहे अन्य लोगों की गोली से लगी, कोई जांच नहीं हुई। एक बार तो है नहीं, महुआ तो हम दर्जन बार मर्डर में आ चुके हैं, ढाक के 3 पात। यहाँ एक सिपाही को मार दिया गया था, एक लड़के को दरवाजे पर मार दिया गया। लाश महुआ, लगता है महुए में यूनिवर्सिटी हो गई अपराध। अब न्याय के लिए कहाँ जाइएगा, किससे न्याय मांगिएगा? 76 MLA, 11 MLA माले, एक आदमी सड़क पर आंदोलन में नहीं थे। इन सफेद पोषों को पहले नाक को देखिए, नेता को देखिए, तो पहले नेता को थकुचिए, नाक को बाद में थकुचिए। इन नेता जब तक रहेगा तब तक हत्या और मौत का सिलसिला जारी रहेगा। इन लोगों को सिर्फ पार्टी में पैसा चाहिए, बीबी के लिए नेकलेस के लिए पैसा चाहिए, माफियाओं का फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए, या तो माफियाओं की गाड़ी पर बैठेंगे। इन लोगों को एन कैन प्रकार सत्ता चाहिए। बिहार के 14.5 करोड़ से ऊपर लोग डर गए, सामी गए, कंप्लीट विश्वास खत्म हो गया, उम्मीदें खत्म हो गई। 3 करोड़ से ऊपर लोग बिहार में बेरोजगार हो गए इस 4 साल के अंदर। 3 करोड़, आज का सर्वे आप देख लीजिए, जीने के कोई रास्ते नहीं है। नीतीश जी नालंदा के हैं ना, एक सप्ताह में 12 हत्या, व्यवसायियों से लेके शराब माफियाओं से लेके, सबसे बड़ा जमीन की दलाली और माफिया राजगीर से नालंदा नवादा।
व्यवसायियों की हत्या नालंदा, 16 साल में एक जिला अपराध और माफियाओं से आजादी क्यों नहीं मिली। उसके पहले 15 साल लालू यादव, गोपालगंज और सिवान छपरा में आजादी क्यों नहीं मिली। एक जिला तो संभाल लेते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा में थे, पुलिस विधायकों को लात जूते से पीट दिए। जो आदमी विधानसभा सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने शहर में अपराधी और माफियाओं का तांडव को नहीं रोक सकता है, वो बिहार का 16 साल 15 साल का मुखिया कैसे है। भी शराब में, छपरा में शराब, बक्सर में शराब, सिवान में शराब, गोपालगंज में पहले शराब, नालंदा में शराब, नवादा में शराब, मुजफ्फरपुर में शराब, बस जो बचे हुए हैं वो भगवान भरोसे। कौन कब किसको गोली मार दे और क्यों मार दे, आप बचे हुए हैं तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की आप पर। हालात अच्छे नहीं है और सब के सब हाजीपुर, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, हाल ही में दो बलात्कार, पटोरी में शंभूराय की मर्डर, मंत्री और विपक्ष गायब। कोई एक घटना का नाम बता दो जब कभी दोनों किसी की आंसू पोछे हो। आप चुनोगे पैसे पर, शराब पर, जात पर, तो आम आदमी को सुरक्षित कैसे रखोगे। अभी MLC का टिकट जितना लोगों ने दिया है, सब चोर उचक्का लफुआ बलात्कारी के भाई बीवी चाचा चाची नानी काकी गांजा इन्हीं लोगों को दिया है। तो जब आप माफियाओं को टिकट दोगे और 10,000 से 1,00,000 पर खरीदेंगे और बिक जाओगे, विधान परिषद में यही लोग बैठेंगे, तो फिर अपराधी का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं। के अंदर एक पहला कानून बनना चाहिए कि हिस्ट्री सीटर अपराधी जो एक से दो अपराध कर चुका है उसको 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, और दूसरी मर्डर केस जो कर चुका है उसको शूट एंड साइड, उसको जेल नहीं, और बलात्कार के केस में 1 महीने में फांसी। कोई समझौता बच्चियों के मामले में, अब इनके इनके पिता को बच्चे कौन लौटाएंगे। मां पागल है, बेहोश है, उस बूढ़ी के घर का सहारा कोई नहीं है। अब इस परिवार की स्थिति क्या है मुझको नहीं पता, बहुत दयनीय स्थिति है।